तो दोस्तों, हमारे पासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भिंडी की सूखी सब्जी कैसी बनाई जाती है। इसे बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है भिंडी, कटी हुई धोखे से हमने काट लिया है। खोबरे का किस हमने लिया है, सूखा लाल मिर्ची लिया है हमने, हरा मिर्ची कट करके लिया है, कांदा कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, जीरा, राई, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और चने का दाल करेंगे। कढ़ाई रख देंगे हम, कढ़ाई को गरम होने देंगे। कढ़ाई अब गरम हो चुकी है, हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को भी हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई। चने की दाल, जीरा, सूखी मिर्च, लाल वाली सूखी वाली मिर्च हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, कांदा कटा हुआ, इसे थोड़ा हम 2-3 मिनट भून लेंगे। अब ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को मिला लेंगे। इसे अब हम पकने देंगे। देखिए ये अब थोड़ी थोड़ी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार डालिए, इसे मिला लेंगे। अब इसे 5 मिनट हम स्लो गैस पे पका लेंगे। भिंडी हमारी पूरी तरीके से पक चुकी है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे खोबरे का किस, इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, गैस को हम ऑफ कर देंगे। इसे हम एक प्लेट में अब निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सूखा भिंडी का सब्जी यहाँ पे बनके तैयार है। इसे हमने नारियल का किस डाल के बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर बनाइए। और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।